हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अपन क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में? इस वीडियो में अपन जो अपना मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल FM का चैप्टर 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ओके, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले करने से पहले अपन छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखिए, एक मिनट। देखिए, जो अपना जो चैप्टर 10 है ना, देखिए इसमें जो अपना चैप्टर 10 है, इसमें टोटल 19 इलस्ट्रेशन है और कुछ अपने 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अपन ने कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ओके, यहाँ पे देखिए, तो एक्चुअली क्या है, मैं पहले वाली वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि अपने जो ISI का मैट है उसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन नहीं दे के रखे हैं, इसलिए मैं आपको अपने नंबरिंग के हिसाब से करा रहा हूँ, जिससे कि आपको मतलब आसानी हो जाए क्वेश्चंस करने में। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं मेरा वीडियो का रेफरेंस लेके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। एक मिनट, अपन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं? अपन यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 करा था, अब आज अपन करने वाले हैं 8th नंबर पे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक मिनट, यहाँ पे नंबरिंग 2 बार हो गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, अपन ने लास्ट वीडियो में करा था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 8th नंबर पे था, और 9th नंबर पे अपन करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आ सकता है 10 मार्क्स तक का, तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं तो फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, MA लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्लास्टिक कंपोनेंट। ठीक है, जो एक MA लिमिटेड है, एक उनका एक नया प्रोजेक्ट है जो कि प्लास्टिक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करेंगे। देखिए, इसमें एक इनका यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, न्यू प्रोजेक्ट है इसमें अपना, तो अपना इसमें ओपनिंग स्टॉक इसमें 0 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हैज बीन एसर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट विच इज फुली कैपेसिटी। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, टोटल मतलब 12,000 यूनिट बन सकती है इनकी, जो भी प्रोडक्शन यूनिट होगा इसमें, और जो कि फुली कैपेसिटी पर अभी है। ओके, देखो, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, मटेरियल दे के रखा है, जिसमें इनकी कॉस्ट पर यूनिट दे के रखी है, मटेरियल कैसे 40 रुपए हो गई पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर देख रखा 20 पर यूनिट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 रुपए पर यूनिट, डेप्रिसिएशन देके रखा है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देके रखे। दी सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 96 एंड दी सेलिंग एक्सपेंसेस ₹5 पर यूनिट, 80% ऑफ विच वेरिएबल। क्या कह रहे हैं, जो उनका सेलिंग प्राइस है कितना है, 96 रुपीज है, और सेलिंग एक्सपेंसेस है ₹5 पर यूनिट। ठीक है, और 80% ऑफ विच वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब है कि जो 5 रुपए हैं, 5 रुपए में वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं और फिक्स एक्सपेंसेस, तो 80% है वेरिएबल जो कि हो गए 4 रुपए, और 20% होगा फिक्स जो कि अपना हो गया 1 रुपए। ओके, आगे पढ़ते हैं। इन दी फॉलोइंग 2 ईयर ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। ये कह रहे हैं कि जो 2 ईयर के ऑपरेशन में ये चीजें देके रखी है, प्रोडक्शन 6,000 यूनिट का, मतलब 12,000 यूनिट में से 6,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, और दूसरी ईयर में 9,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से 6,000 में से 6,000 यूनिट अपनी प्रोड्यूस हुई थी, इसमें से 5,000 ही बिक पाई है, तो इसमें अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना हो गया 1,000 यूनिट का। ठीक है, और यहाँ पे 9,000 प्रोड्यूस हुई थी, तो अपनी 8,500 ही यहाँ पे सेल हो पाई है, तो यहाँ पे क्लोजिंग कितना हो गया 500 यूनिट का जो कि अभी बचा हुआ है। टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दी फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ मटेरियल दे के रखा है, मतलब स्टॉक का होल्डिंग पीरियड दे के रखा है, 2.25 मंथ दे के रखा है, और वर्किंग प्रोग्रेस नल दे के रखा है, मतलब कुछ भी नहीं है वर्किंग प्रोग्रेस। डेटर डेटर को 1 मंथ का है होल्डिंग पीरियड, कैश बैलेंस अपन को 10,000 रुपये मेंटेन करके चलना है, क्रेडिटर को सप्लाई, मतलब क्रेडिटर ने अपन को कितना दे के रखा है होल्डिंग पीरियड, मतलब अपन कितने टाइम में उनका पैसा चुका सकते हैं, तो अपना हो गया 1 मंथ, और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस रहेंगे क्रेडिटर के, उसके लिए भी 1 मंथ यहाँ पे दे के रखा है। एवरेज फॉर ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर,
prepare for the 2 year a project statement of PNL ignoring taxes and a project statement of WIP. तो ए वाला तो कॉमन है, अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल तो अपन को सब क्वेश्चन में भी लगा हुआ अपन ने बनाया हुआ है, और इस वाले क्वेश्चन एक नई चीज क्या आई, अपन को यहाँ पे PNL भी बनाना है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, मैं आपको अभी करा दे रहा हूँ, तो अपन को अच्छे से देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मतलब आ सकता है, मतलब अभी नवंबर 23 के एग्जाम में बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्या अपना PNL बनाना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से साफ कर दूँ सब, फिर अपन अपना अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लीज यार वीडियो को अपना थोड़ा शेयर मेयर करो, लाइक करो, शेयर मेयर कर ही नहीं रहे हो यार, कुछ करो थोड़ा, ठीक है, जैसे मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा करने में कि वीडियोस बना पाऊँ आप लोग के लिए। और अगर जैसे कोई भी आपको नीड है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि किस वीडियो को, किस चैप्टर को कराना है, तो मैं उसके हिसाब से आगे की भी वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करें अपन, ठीक है। सबसे पहले अपन को PNL बनाना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट पानी पी लूँ मैं। देखिए मैंने फॉर्मेट बना दिया है, ऐसा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। ये हेडिंग डालिए, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। एक मिनट गलत हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा इसमें, पर्टिकुलर और अपना इसमें ईयर वन और ईयर टू, ठीक है, 2 ईयर का अपन को बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा अपना, अपन जैसे जो इन्फॉर्मेशन देख रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले अपना क्या प्रोडक्शन देख के रखा है, एक मिनट मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको अपन छोटा कर लें, एक मिनट जस्ट अ सेकंड। तो इसको थोड़ा साइड कर लें, अब ठीक है, ओके, अब ठीक है, ओके। आइए तो सबसे पहले अपन को लिखना है यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो प्रोडक्शन यूनिट कितनी देख रखी थी, देखिए प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे पहले ईयर की 6,000, दूसरे ईयर की 9,000, 6,000 और 9,000। और प्लीज अपने सामने आप स्टडी मैट खोल के रखिएगा, जिससे आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी, तो मुझे बार बार यहाँ पे क्वेश्चन निकालना पड़ता है और वापस से बैक करना पड़ता है, तो अपना स्टडी मटेरियल अपने सामने खोल के रखिएगा, ठीक है। और बी नंबर पे क्या लिखेंगे अपन, अपनी जो सेल्स की यूनिट है, सेल्स यहाँ पे यूनिट में ब्रैकेट लगा लीजिए, यहाँ पे यूनिट, ठीक है। तो सेल्स यूनिट कितनी दे के रखी है, 5,000 और 8,500, मतलब बोले तो 8,500। तो आइए सबसे पहले पहले नंबर पे क्या आएगा अपना, मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। कितना कितने रेट से देख रखा है मटेरियल कंज्यूम, अपना ये देख रखा है 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड 40 पर यूनिट, ठीक है। तो कितना अब रॉ मटेरियल, तो किस कौन सी यूनिट पे लगेगा, ऑब्वियसली प्रोडक्शन यूनिट पे। तो यहाँ पे 14 to 6,000, तो कितना हो जाएगा, 2,40,000, ठीक है। और दूसरे ईयर में कितना हो जाएगा, 14 to 9,000, तो कितना हो जाएगा, करिए तो अपना हो जाएगा 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आएगा, देखिए यहाँ पे दे के रखा है डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस,
ठीक है, तो कितने रुपए यूनिट दे के रखी है? एट द रेट 20 पर यूनिट यहाँ पे दे के रखे हैं, तो 6,000 × 20 कितना हो जाएगा? 1,20,000। और यहाँ पे 9,000 × 20 हो जाएगा अपना 1,80,000। फिर तीस नंबर पे क्या दे के रखा है? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक, कितना दे के रखा है? देखिए, इसके लिए अपन को फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के लिए 6 रुपए पर यूनिट दे के रखा है, एट द रेट 6 रुपए पर यूनिट। लेकिन देखिए, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग रहेगा वो तो अपनी कौन सी यूनिट पर रहेगा, जो कि अपनी टोटल यूनिट है, जितना कि मतलब अपनी कैपेसिटी है, ठीक है ना, मतलब 12,000 यूनिट। तो जितने ही फिक्स खर्चे हैं वो अपन को 12,000 यूनिट मतलब टोटल कैपेसिटी पर ही लगने हैं, ठीक है। और जितने ही वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं अपने, वो अपन किस किस पर लेते हैं? जितने ही अपने प्रोडक्शन यूनिट है उस पर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 यूनिट एट द रेट 6, ठीक है, ये बात यहाँ पे एक याद रखना आप। यहाँ पे हो जाएगा 72,000, यहाँ पे भी 72,000। फिर अगला क्या है? अगला है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कितना? 4 रुपए दे के रखा है। तो चौथा डेप्रिसिएशन भी कौन सा एक्सपेंस है? फिक्स, तो ये भी कौन सी यूनिट पे आएगा? 12,000 पे डेप्रिसिएशन एट द रेट 6, सॉरी कितना डेप्रिसिएशन कितना दिया था? सॉरी, डेप्रिसिएशन दिया था 10, फोन ने 10 है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10 हो जाएगा। किसका? 12,000 एट द रेट 10, तो अपना कितना हो जाएगा? 1,20,000। और फिक्स्ड है इसलिए दूसरे ईयर में भी यहाँ पे सेम है, ठीक है। ये सेम क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम क्यों है? क्योंकि फिक्स करते हर साल एक जैसे ही रहते हैं, वो बदलते नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे जो हो जाएगा 72,000। ओके, आगे बढ़े, डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब क्या आ जाएगा अपना? फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसका रेट कितना दिया है? 4 रुपीज। तो फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो ये भी फिक्स खर्चा है, तो 12,000 यूनिट एट द रेट 4, तो कितना आ जाएगा? 48,000। और सेम रहेगा अपने दूसरे ईयर में भी, 48,000। तो अब क्या आ गया ये अपना? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें अपन जोड़ देंगे किसको? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सबको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे जोड़िए कितना आ रहा है? 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000, तो ये अपना आ गया 6 लाख रुपए। इसका जोड़िए 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000, तो ये आ रहा 7,80,000 रुपए। ओके, आगे बढ़े, तो देखिए यहाँ पे अब आएगा अपना, ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ तो अपने 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने आएंगे? जब क्लोजिंग पता चलेंगे, जो इसके क्लोजिंग रहेंगे पहले ईयर के, वो ऊपर के अपने अगले ईयर के ओपनिंग रहेंगे। तो अपन को यहाँ से लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स, तो यहाँ पे अब निकालने पड़ेंगे। देखिए, जो अपना 6 लाख है ना, 6 लाख कितनी यूनिट पे है? 6 लाख जो भी है अपना, कितने कितने यूनिट पर है? अपने 6,000 यूनिट पर, जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं तो अपना 6,000 यूनिट पर है। और अपने को निकला कि क्लोजिंग कितनी बची है अपनी? देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखिए 6,000 प्रोड्यूस हुई थी, 5,000 अपनी सेल्स हो गई, तो बची कितनी? 1,000।
तो टोटल छः 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 जो 6 लाख रहे, कितनी यूनिट का खर्चा 6,000 का, और अपन को कितना क्लोजिंग कितना बचा उसका निकालना, तो क्लोजिंग बचा अपना 1,000, तो कितना आ गया, करिए कैलकुलेट, 6 लाख डिवाइड बाई 6,000 इंटू 1,000, तो अपना आ गया 1 लाख। ठीक है, और यहाँ का क्लोजिंग अगले साल इसका क्या बन जाएगा, ओपनिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या बनेगा बताइए आप। तो देखिए, अब इसके लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए अपन को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, तो आइए अपन इसको बनाते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, अपन यहाँ पर बनाएंगे इसका वर्किंग नोट नंबर 1। तो लिखिए, एसरटेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 2। ठीक है, तो देखिए इसको अपन को निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्राइस से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था अपना, कि देखिए जो अपना 7,80,000 रुपये है, ये अपना, एक मिनट, देखिए 7,80,000 रुपये है, और अपना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,80,000 रुपये है, और अपना ओपनिंग कितना बन रहा है, ओपनिंग बन रहा है यहाँ पे 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो देखिए, और ये 1 लाख कहाँ से आया, 1 लाख आया फर्स्ट ईयर से, तो 1 लाख है 1,000 यूनिट पर, और 7,80,000 कितने पे है, 9,000 यूनिट पर। ठीक है, जो 1 लाख निकला जो अपना 1,000 यूनिट पे निकाला अपन ने, और 7,80,000 कितने यूनिट पे है अपना, 9,000 यूनिट पे, तो टोटल कितने हो गए, 10,000 यूनिट। ठीक है, तो देखिए 1 लाख प्लस पिछले ईयर का जो ओपनिंग बना इस साल, और यहाँ पे 7,80,000 जो कि अपना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किस दूसरे ईयर का, इसको डिवाइड कितने से करेंगे, 1,000 यूनिट जो पिछले साल की है, और इस साल की कितनी यूनिट है जो प्रोड्यूस हुई थी, 9,000 यूनिट। ठीक है, तो करिए कितना हो रहा है, ये यहाँ पे हो जाएगा 8,80,000 और डिवाइड बाय 10,000, 10,000 यूनिट, तो कितना आ जाएगा, करिए 7,80,000 प्लस 1 लाख, और अपन को निकालना कितने यूनिट का है, क्लोजिंग कितना बची है यहाँ पे, क्लोजिंग बची है यहाँ पे, देखिए कहाँ गया अपना, देखिए क्लोजिंग कितनी बची यहाँ पे, 500 इसकी बची यहाँ पे। ठीक है, 1,000 ऊपर वाले की, तो टोटल कितनी हो गई, 1,500 यूनिट। आई ना बात समझ में, देखिए टोटल इसमें से बची थी अपनी 1,000 यूनिट, और इसमें से बची थी 500 यूनिट, तो टोटल हो गई 1,500 यूनिट। आ रहा है इतना समझ में, ठीक है, तो इनटू 1,500 यूनिट, और यहाँ पे भी 1,500 यूनिट, तो 8,80,000 डिवाइड बाय 10,000 इनटू 1,500, तो अपना कितना आ गया, 1,32,000। आई बात समझ में, कैसे आया 1,32,000 रुपये, यहाँ पे 1,32,000 रुपये आया, कैसे आया, देखिए जैसे अपन ने ईयर वन का कैसे निकाला था, देखिए ये अपना यहाँ पे 6,000 था ना, सॉरी 6 लाख था ना, 6 लाख था कितने अपने, 6,000 यूनिट का, 6 लाख था अपने 6,000 यूनिट का, तो अपन को जिसमें से बची थी अपनी 1,000 यूनिट, तो अपन ने इंटू कर दी 1,000 यूनिट से। अब अपना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 7,80,000, और पिछले साल का भी कितना, 1 लाख रुपये, लेकिन कितने यूनिट पे टोटल, अपनी 9,000 इस ईयर की, और 1,000 पिछले ईयर की, तो टोटल 10,000 यूनिट पे कितना हो गया अपना, 8,80,000 रुपये, और अपना टोटल क्लोजिंग कितना बचा, 1,500 यूनिट, तो अपन ने इंटू 1,500 कर दिया, तो अपना टोटल यहाँ पे आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 6 प्लस 7 माइनस 8। ठीक है, अपना टोटल प्रोडक्शन में से प्लस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और माइनस हो जाएगा अपना क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और ऐड हो जाएगा ओपनिंग फिनिश गुड्स, तो करिए कितना, 6 लाख माइनस 6 लाख प्लस 0 माइनस 1 लाख, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 5 लाख,
और 7,80,000, 7,80,000 प्लस 1,00,000 माइनस 1,32,000, तो अपना कितना हो जाएगा, 7,48,000 रुपये। फिर ऐसा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, अब अपन को सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे और जो भी अपने एक्सपेंसेस रहेंगे फिक्स्ड वाले वो वाले ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो कितना था अपना, अपना ये था 5 रुपये था, 5 रुपये का 80%, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो इसकी कितनी थी, 5,000 यूनिट थी। देखिए अब ये 5,000 यूनिट कहाँ से आई, तो ये अपनी देखिए देखिए ए वाली लगनी है अपनी किस यूनिट पे, 5,000 यूनिट पे यहाँ पे लगना है, और यहाँ पे 8,500 यूनिट पे रखना है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड होते हैं, तो जितने जितने यूनिट सेल हुए होंगे उस पर ही लगेगा ना, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसलिए अपन इसको यहाँ से 5 से करेंगे, 5 × 4, और यहाँ पे इसका करेंगे कितने यूनिट सेल्ड हुए यहाँ पे, 8,500 × 4, तो इसका हो जाएगा 20,000, और इसका हो जाएगा 1 मिनट, 8,500 × 4, तो इसका हो जाएगा 34,000। अब क्या जाएगा, फिक्स्ड फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, मतलब जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस कितने किस यूनिट पर रखने हैं, जो कि अपनी टोटल यहाँ पे टोटल कैपेसिटी है 12,000 यूनिट, उस पे ही लगने हैं। तो 12,000 × 1, तो यहाँ पे भी 12,000, यहाँ पे भी 12,000, तो अब क्या जाएगा अपना, ना जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, और अपने फिक्स एक्सपेंसेस भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 5,00,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया 5,32,000, और यहाँ पे कितना हो गया, 7,48,000 प्लस 34,000 प्लस 12,000, तो ये हो गया 7,94,000। 7,94,000 अब इसमें ऐड हो जाएगा अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट, और फिर अपनी क्या आ जाएगी, सेल्स। तो देखिए प्रॉफिट तो अपन को पता नहीं है, लेकिन सेल्स जरूर पता है अपन को कि 5,000 यूनिट सेल्स हुए थे, इसमें कितने के रेट से हुए थे, अपनी सेल्स सेल्स प्राइस कितना था यहाँ पे, 96 यूनिट पर यूनिट। तो 5,000 × 96 करिए, 5,000 × 96, तो यहाँ पे हो गया 4,80,000, और यहाँ पे 8,500 × 96, तो 8,500 × 96 यहाँ पे हो गया 8,16,000, तो माइनस करिए कितना हो रहा है, 4,80,000, 4,80,000 सॉरी 5,32,000, तो माइनस कर दीजिए 4,80,000, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा यहाँ पे, -52,000 रुपये, ठीक है, आगे ना देखिए, क्योंकि माइनस में जा रहा है, 4,80,000 में से सेलिंग प्राइस में से अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे, तो माइनस 5,32,000, तो 52,000 माइनस में जा रहा है, और इसमें 8,16,000 माइनस 7,94,000, तो ये कितना आ रहा है, 22,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। ये अपना क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे अपना निकल आया सेल्स भी निकल आई, जिससे कि अपन को डेटा निकलेंगे, ठीक है, ये अपना टोटल यहाँ पे पीएनएल यहाँ पे अपन ने बना दिया। अब क्या करना है अपन को यहाँ पे, अब बनानी है अपन को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, तो आइए बनाते, तो हेडिंग डालिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्विंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, स्टार्ट करें, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट तो आपको बताइए, सबसे पहले ए नंबर अपना क्या बन जाएगा, करंट एसेट, ठीक है, तो करंट एसेट में क्या क्या आता है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे ना इस चीज में, रॉ मटेरियल,
कंज्यूम्ड करते रहते ना क्वेश्चन, तो अपन को हैबिट हो जाती है, पता रहता है कि ये चीजें आएंगी, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, फिर यहाँ पे WIP, फिर 30 नंबर पे क्या आ जाएगा, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स आ जाएगा, फिर अपना 4थे नंबर पे क्या आ जाएगा, डेटर या रिसीवेबल्स, 5 पे क्या आ जाएगा, कैश, फिर टोटल आ जाएगा, टोटल करंट असेट, इसको अपन ए नाम दे देंगे, फिर बी पे क्या आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी। क्या अपन फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार, फिर अपन को जल्दी जल्दी चीजें सब पुट करनी रहती है कि अपन को याद रहता है क्या क्या चीजें यहाँ पे आने वाली। तो सन्ड्री क्रेडिटर, फिर उसके बाद में 2 लाइन छोड़ दीजिए इसके लिए, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद अपना क्या आ जाएगा, एक चीज और बची, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, जो उन्होंने बोला था। फिर आई थिंक और कुछ तो रह नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना टोटल करंट लाइबिलिटीज को अपन बी नाम दे देंगे, फिर अपना सी नंबर पे क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल, कोई सेफ्टी मार्जिन तो करना नहीं, नहीं तो अपनी नेटवर्किंग कैपिटल भी निकलता, फिर वर्किंग कैपिटल, ओके, ए प्लस बी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने पे निकलना है, देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम का पीरियड कितना दे के रखा है, 2.25 दे के रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम, अपन ने देखिए यहाँ पे निकाला था मटेरियल कंज्यूम पर यूनिट 2,40,000 रुपये और 3,60,000 रुपये, इन दोनों पे निकलेगा। तो यहाँ पे 2,40,000, एक काम करते हैं इसको थोड़ा अपन नीचे कर लेते हैं, देखिए 2,40,000, ठीक है, डिवाइड बाय 12 इंटू कितने महीने का बोला था इन्होंने रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए, 2.25 मंथ, ठीक है, 2.25 मंथ, तो 2.25 मंथ, तो कितना आ जाएगा ये 2,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.25, तो ये अपना आ जाएगा 45,000 रुपये। एक मिनट, इसके लिए एक 2 ईयर का निकालना है ना अपन को, ठीक है चल जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 45,000 रुपये, और दूसरे का कितने पे निकलेगा अपना, 3,60,000 पे, इस पे 3,60,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.25, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2.25, तो कितना आ जाएगा, 67,500। अब WIP, तो देखिए WIP के लिए इन लोगों ने बोला था यहाँ पे, देखिए WIP नल, ठीक है, मतलब WIP कुछ भी नहीं लेना है, कुछ मेंटेन करके यहाँ पे नहीं चलना है, तो WIP अगर लिखे भी नहीं तो भी चल जाएगा। फिनिश गुड्स तो अपन ने निकाल ही लिया था, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना आया था अपना, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे आया था अपना, देखिए इसका 1 लाख आया था, इसका 1,32,000 आया था, तो ये निकालने की जरूरत है अपनी ही है, 1 लाख और 1,32,000। डेटर, डेटर किस पे निकलेंगे अपने, डेटर डेटर निकलेंगे अपने यहाँ पे सेल्स पे, ठीक है, देखिए तो अपनी सेल्स कितनी है, 4,80,000 और 8,16,000 रुपए। तो सेल्स पे क्यों निकल रहे हैं, वैसे तो सर आप कहते हैं हर बार कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो अपने डेटा ने अपन को किस पे, एवरेज सेल्स पे निकालना है, इसलिए सेल्स पे निकलेंगे, तो अपन सेल्स पे निकालेंगे। तो सेल्स कितनी है इसकी, 4,80,000 रुपये, इसकी 8,16,000 रुपये है, तो यहाँ पे देखिए इसकी कितनी है, 4,80,000 रुपये है, और इसकी कितनी आई है, 4,80,000 रुपये आई है, और इसकी 8,16,000 रुपये आई है, तो 1 मंथ के लिए है, तो इसका 4,80,000 रुपये 12 इंटू 1, तो करिए कितना आ रहा है, 4,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, कितना आ रहा है, 40,000 रुपये, यहाँ पर 40,000 रुपये, और इसकी इसकी आई थी अपनी कितनी, 8,16,000 रुपये,
इसकी यहाँ पे अपन निकाल देते हैं साइड में, 8,16,000 डिवाइड 12 इंटू 1, आप स्पेस रहेगा आप में तो आप उस हिसाब से कर लेना, 8,16,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 1, तो इसकी आ रही है 68,000 रुपये। ठीक है, कैश कितना मेंटेन करने का बोला था इन्होंने, देखिए कैश इन्होंने बोला था यहाँ पे, कहाँ दे के रखा है कैश, कहाँ चला गया, 10,000 रुपये मेंटेन करना था, तो कैश अपन कितना 10,000 यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे दोनों में, दोनों ईयर के लिए। तो अपनी टोटल यहाँ पे करंट एसेट यहाँ पे निकाल लिए अपन ने, जोड़िए कितना आ रहा है, 45,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, तो अपना कितना आ रहा है 1,95,000 रुपये। और इसका करिए 67,500 प्लस 1,32,000 प्लस 68,000 प्लस 10,000, तो ये अपना आ रहा है 277,500। अब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर के लिए अपन को परचेज निकालनी पड़ेगी। परचेज के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, परचेज के लिए अपन को बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो आइए वर्किंग नोट नंबर 2 पे, वर्किंग नोट नंबर। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, मुझे एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज जिनको भी मतलब जरूरत है मतलब उनके साथ वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि क्या रहे कि मतलब जो स्टडी मैट के क्वेश्चन है तो वो तो सारे कवर हो ही जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूँ, ठीक है। और अगर क्वेश्चन अच्छे से, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों की हेल्प हो रही है। एसरटेनमेंट, एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन यार मैं यहाँ पे स्पेलिंग सिखाने थोड़ी ना आया हूँ। एसरटेनमेंट समझ जाया करो यार इतना तो, एसरटेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ परचेज, ठीक है। तो इसमें ईयर वन और ईयर टू दोनों की रहेगी, ईयर वन एंड ईयर टू, ईयर टू, ठीक है। सबसे पहले अपन ईयर वन की निकाल लेते हैं, ईयर वन, तो बताइए कैसे निकलेगी, आप ही बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए कैसे निकलेगी। देखिए आप क्या बताएं, मैं ही बता दे रहा हूँ अब तो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था अपना, देखिए यहाँ निकाला था अपन ने कितना था, 240,000 रुपये, 240,000 रुपये। और न्यूली कंपनी थी मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट था इनका, न्यूली कंपनी थी अपनी, या तो इनका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा यहाँ पे 0। परचेज तो निकालनी है अपन को, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या निकाला था अपन ने यहाँ पे, ये 45,000 रुपये, ठीक है। तो माइनस 45,000 रुपये, तो परचेज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, 240,000 रुपये प्लस 45,000 रुपये, तो 285,000 रुपये। ये अपना जो माइनस का 45,000 है उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ईयर टू का, ईयर टू तो वही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इसका कितना था, 67,500, 67,500, ठीक है। लेकिन इसका अब ओपनिंग स्टॉक अब तो नहीं, अब तो ईयर टू है अपना, तो ईयर टू में जो इसका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो इसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या था इसका, क्लोजिंग स्टॉक था यहाँ पे 45,000 रुपये। तो अब अगले साल का क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक था, तो अगले ईयर जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 45,000 रुपये प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितना रहा है इसका, तो क्लोजिंग इसका 67,500, ठीक है, 67,500। परचेज, परचेज साइड आ जाएगा, ठीक है। और अपना देखिए 67,500 मतलब परचेज यहीं कहीं रहेगा, ये 67,500, ये उस साइड चले जाके प्लस का हो जाएगा 67,500। और यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट,
यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूमर ने गलत ले लिया, यहाँ पे 67,500 तो ही ना था यहाँ पे, रो आप ही कुछ बता नहीं रहे। रॉ मटेरियल था यहाँ पे 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकाला था अपन ने, 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये। एक मिनट आपको, खैर मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरी क्वेश्चन, नहीं तो आप तो कंफ्यूज हो जाए। 3,60,000, ठीक है। अब ये जो 67,500 इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 67,500, और इस प्लस के 45,000 इस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 45,000 परचेज यहाँ का यहीं रहेगा, ठीक है। अब माइनस करिए, सॉरी, 3,60,000 प्लस 67,500 माइनस 45,000, तो अपना हो जाएगा 3,82,500 पर चीज कुल, टू क्या हो जाएगा 3,82,500। ओके, तो अब अपन यहाँ से क्रेडिटर भी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो क्रेडिटर के लिए कितना पीरियड देके रखा था बताइए आप, याद है आपको? आपको देखिए क्रेडिटर के लिए 1 मंथ देके रखा था यहाँ पे अपना होल्डिंग पीरियड। तो सबसे पहला क्रेडिटर परचेज कितनी है, 2,85,000 रुपये। तो 2,85,000 डिवाइड बाय 12 × 1, 2,85,000 डिवाइड बाय 12 × 1 तो कितनी आ रही है अपनी, 23,750 रुपये, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे अपन ने कुछ गड़बड़ क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने यहाँ पे, एक बार कैलकुलेट करना फिर से। 2,40,000 रुपये प्लस 45,000 रुपये, 2,85, हाँ इतना ही आ रहा है, 2,85 डिवाइड बाय 12 × 1, इतना ही आ रहा है, 23,750, 23,750। और फिर अगले ईयर की कितनी है परचेज अपनी, है 3,82,500, तो 3,82,500 डिवाइड बाय 12 × 1, 3,82,500 डिवाइड बाय 12 × 1 तो कितनी आ गई, 31,850, कितनी आ रही है, 31,875 रुपये, 31,875 रुपये। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, तो इसका ही वर्किंग नोट बनेगा क्योंकि बहुत सारे क्रेडिटर हैं, या मतलब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंसेस थे, वर्किंग नोट 3। तो यहाँ पे एसरटेनमेंट ऑफ नाली लिखिए, एसरटेनमेंट ऑफ क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस थे अपने यहाँ पे, देखिए ये सारे एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट लेबर था, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस था, ठीक है। और एक और था, ये इसमें ही मतलब एक इसमें ही वेरिएबल था और इसमें ही अपना फिक्स था, एक ए बार, दो ए हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस था, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस था, ठीक, कितना था अपन ने निकाला था ना यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, देखिए कितना था, 1,20,000 और 1,80,000, तो 1,20,000 और 1,80,000। फिर उसके बाद अपना कौन सा एक्सपेंसेस था, फिर था अपना फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये तो अपना कितना आया था फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये अपना आया था 72,000 रुपये, 72,000 दोनों का था, 72,000। फिर अपना था, फिर कौन सा एक्सपेंसेस था यहाँ पे, देखिए फिर अपना था फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया यहाँ पे, अपना था यहाँ पे फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना था, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन कितना निकाला था अपन ने, 48,000, और दोनों में 48,000 आया था, 48,000 आया था दोनों में, ओके आ गया समझ में। फिर अपना वेरिएबल एक्सपेंसेस था और फिर कौन सा था, फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वेरिएबल कितना निकाला था अपन ने, देखिए वेरिएबल निकाला था 20,000, उसका 34,000, और फिक्स निकाला था 12,000, 12,000, 20, 34, 12, 12, ठीक है, 20, 34, 12,
12, ठीक है। तो करी अकाउंट कितने आ रहे हैं, 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, तो ये टोटल हो रहे हैं 2,72,000 रुपए। उसे करिए 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 34,000 प्लस 12,000, तो ये आ रहा 3,46,000। तो कितना टाइम बोल के रखा था इन्होंने, इसका भी अपन को 1 मंथ बोल के रखा था। तो 72 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, और एक और कितना था, 346 डिवाइड बाय 12 इंटू 1। आप अपनी जगह स्पेस के हिसाब से कर लेने, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इतने ही कर लिया था। 2,72,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 तो कितना आ रहा है, 22,666, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 22,667 रुपये। तो 22,667 रुपये इसका निकालिए, 2,72,000 तो इसका आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, है ना लगभग, देखते हैं। सो नहीं, 60,000 नहीं आया, 3,46,000, 3,46,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 तो इसका आ जाएगा 28,833, तो 834 लिख देना, 28,834, ठीक है। अब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस हो गया ये अपना, इसको यहाँ से उठा के नीचे लिख देना क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं, ओके। अब टोटल करंट लाइबिलिटी ऐड करिए कितना आ रहा है, टोटल करंट लाइबिलिटी 23,750 प्लस 22,667, तो एक मिनट, 23,750 प्लस 22,667 तो अपना 46,417, 46,417, और इसका 31,875 प्लस 28,834 तो इसका आ रहा है 60,709 रुपये। और वर्किंग कैपिटल तो ए माइनस बी है, प्लस नहीं है यहाँ पे, ए माइनस बी, तो निकाली कितना आ रहा है, 1,95,000 रुपये माइनस 46,417 रुपये, तो कितना, 1,48,583, और इसका 2,77,500 माइनस 60,709, तो अपना आ रहा है 2,16,791, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी अपन ने पूरी कर ली। किसी को भी अगर नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लीजिए, ये अपना पीएनएल है, दूसरे नंबर पे अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फिर अपने वर्किंग नोट है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, सबसे पहले इसमें पीएनएल बनाना था, तो अपन ने इसमें पीएनएल बनाया, वर्किंग कैपिटल निकाली और कुछ उसके वर्किंग नोट्स बने, ठीक है। आई होप सो आपको मतलब क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसके बाद भी अगर कुछ डाउट लग रहा है कि आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, तो और आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपने मतलब एंजॉय करा होगा वीडियो को, समझ में आया होगा आपको हर एक चीज़, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में समझाने की ट्राई करा था, और ठीक है। बाकी तो आई होप सो आप लोग अपने से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और मतलब आज अगर किसी किसी पर्सन को नीड है तो उसको शेयर करिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ में।